देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के बीच प्रेम के अटूट बंधन का प्रतीक है ये रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। देश की सुरक्षा में मुस्तैद सरहद पर तैनात सैनिकों ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। अटारी वाघा बॉर्डर पर सेना के जवानों को बहनों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ये भाई अपने घर अपने परिवार बहनों से दूर हैं, सरहद की सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन बहनों ने राखी बांध कर उन्हें भाई बहनों के इस त्यौहार पर अपनी अपनों की कमी महसूस नहीं होने दी। उधर पठानकोट बॉर्डर पर भी बहनों ने सैनिक भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी और इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री से मिलकर खूब सारी बातें की। प्रधानमंत्री भी खुश नजर आए, वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बड़े खुश नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी। देश गुस्से में है, डॉक्टर गुस्से में है, हर वो बेटी गुस्से में है जो घर से बाहर निकलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसीलिए कोलकाता रेप और मर्डर केस के खिलाफ चंडीगढ़ पीजीआई में पिछले 8 दिन से डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शामिल बेटियों का कहना है कि दूसरे की जान बचाने वाली बेटियों की जान के साथ कब तक ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। घर से लेकर सरहद तक बहन अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। तो ऐसे में देश भर से आ रही प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सभ्य और आदर्श की बड़ी बड़ी सीख देने वाले समाज में आज भी ऐसे कई बहरूपिये हैं जिनकी मानसिक विकृतियों के चलते हमारा सिर आज भी शर्म से झुका है। यही वजह है कि रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर हमारी बेटियों को कहना पड़ रहा है कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता में जो भयानक इंसिडेंट हुआ उसके बाद से पूरे देश में रोष है और आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पीजीआई में बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। हम बात करें कुछ लोगों से यहाँ पे, आप लगातार 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज है लगातार जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? जी सर, हमारे फर्स्ट डे 1 से 2 ही मांगे हैं। पहली है कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे साथी मित्र है उनकी जो उनको जस्टिस मिले, उसके लिए हम एक क्लियर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और हमारी दूसरी जो मांग है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी या तो रिटन अश्योरेंस मिले या हमें एक ऑर्डिनेंस मिले सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। चंडीगढ़ पीजीआई में पिछले 8 दिनों से लगातार रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सभी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नए मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं बंद हैं। सिर्फ पुराने मरीजों का फॉलोअप लिया जा रहा है। डॉक्टरों की मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत की लड़की सेफ नहीं फील कर रही, तो वो भी आजादी के इतने टाइम के बाद, ये बहुत शर्म की बात है कि हमें डॉक्टर्स होके, फर्स्ट लाइन वर्कर्स होके आज सेफ्टी के लिए, बेसिक नीड के लिए यहाँ पे स्ट्राइक करनी पड़ रही है। हम नहीं चाहते स्ट्राइक करना, बट हमारे अब इतना फेयरफुल एनवायरनमेंट हो गया है, अगर डॉक्टर खुद ही सेफ नहीं है तो वो ट्रीटमेंट कैसे देगा। सिस्टम और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। इस बीच चंडीगढ़ पीजीआई से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जहां प्रदर्शन के बीच रक्षाबंधन के मौके पर महिला डॉक्टर्स अस्पताल में तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधती हुई दिखाई दी। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, दे आर द ओनली पीपल हु आर लाइक बिहाइंड अस एट एवरीवेयर, लाइक एट द एंट्री पॉइंट, एट द एग्जिट पॉइंट, एट एवरी एंट्री ऑफ द वार्ड, दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर अवर मेन सिक्योरिटी पर्सन। सो हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने आज तक हमारी सहायता की है या हमारे हम सिक्योर रहे हैं इनकी प्रेजेंस में, वैसे ही हम सिक्योरिटी। 8 दिनों से कोलकाता रेप कांड पर विरोध प्रदर्शन और धरना हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। शहर कोई भी हो, दर्द एक जैसा है। कोलकाता में जिस हद की दरिंदगी हुई उस पर समाज का हर तबका तिल मिला रहा है, आग बबूला हो रहा है, आक्रोश दिखा रहा है। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए, हम लोग बिठाए।
उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठेगा बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। कितना पुलिस इधर आ गया मारने के लिए आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आ पाया। लाठी चार्ज किया गया है हम लोग का सपोर्टर को भी, लेडीज को ऊपर किया गया। ये कैसे ये और अगर टूरंट कप टूरंट मैच अगर कोलकाता से हट जाए तो बंगाल का एकदम बंगाल का लिए एक शेम है। लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहां हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। देश भर के डॉक्टर आज अपनी उस बहन को याद कर रहे हैं जो अब दुनिया में नहीं है, वही बहन जो डॉक्टर के तौर पर लोगों के प्राणों की रक्षा का वचन आखिरी दम तक निभाती रही, लेकिन खुद उसकी रक्षा करने में एक समाज के तौर पर हम हार गए। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बताते चलते हैं कि कोलकाता रेप कांड मर्डर केस की जांच अब तक कहां पहुंच गई है। आज पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए। घर वालों का कहना यह है कि पुलिस और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सनसनीखेज हत्याकांड पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस केस को पहले आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई, उसी केस की पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीड़िता के साथ हुई हैवानियत की गवाही दे रही है। रेप और मर्डर के सनसनीखेज केस में पीड़िता के घरवालों ने कोलकाता पुलिस और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर संगीन आरोप लगाए हैं। घरवालों का कहना है कि पहले हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई, यहां तक कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। घरवालों के मुताबिक पूरे मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका संदेह के घेरे में है। हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से घर वालों को अंधेरे में रखा गया। सवाल यही है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने क्यों रेप और हत्या जैसे संगीन मामले को दबाने की कोशिश की। संदीप घोष, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे? नहीं नहीं, हमसे बात नहीं हुआ उसके, कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर निगेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा ये कि जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने अंतिम संस्कार करवा दिया। अब घर वाले अंतिम संस्कार को लेकर कोलकाता पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बात बारे में बोलता है, शमशान घाट के बारे में, उधर तीन बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे? नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। मामले की जाँच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन घरवालों का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने शुरुआती जांच में पूरे केस को उलझाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय केस का कत्ल करने की साजिश रची। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के ला के मुझे दिखाते हैं। उन
बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। घर वालों को बंगाल पुलिस पर रत्ती भर भरोसा नहीं, वहीं दूसरी तरफ अब घर वाले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर सरकार की नीयत सही है तो पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करने वालों को झूठे केस में क्यों फंसाया जा रहा है। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके सब क्या बात है, हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख हुआ, दुख आ गया। आज तक ब्यूरो। पंजाब में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के भीतर हेल्थ सिक्योरिटी बोर्ड की तरफ से मेडिकल संस्थानों का सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया जाएगा ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मानयोग सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइंस है कि जे डॉक्टर किसी पेशेंट की डेथ होंगी है तो पहले एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो एग्जामिन करेगा, वो रिपोर्ट देगा, उस तो बगैर डॉक्टर से एफ आई आर नहीं। सो ये हाउस ये भी डिमांड करता है कि उस तो बगैर एफ आई आर नहीं होगी, और आई जी पी साहब ने श्योर भी किया हाउस में कि नहीं करा, और इस तो सिवाए जड़िया स्टेट लैवल के उत्ते है वो असी हर जिले के डिस्ट्रिक्ट हैल्थ सिक्योरिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट हैल्थ बोर्ड का कॉन्सैप्ट हैगा, हर जिले के डिस्ट्रिक्ट हैल्थ बोर्ड जोड़ा कि सिक्योरिटी जोड़ा ऑडिट करेगा हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का, जिते कॉन्फ्लिक्ट होंगे एमरजेंसी ज्यादा होंगे एम सी एच बैंक होंगे उत्थे की सिक्योरिटी होनी चाहिए है, वो चाहे सी सी टी वी कैमरेज लगाने होन, सिक्योरिटी इनहांस करनी हो, जोड़े उत्थे सिक्योरिटी परसनल है वह हाईली प्रोफेसनल हो, इस बाकी जोड़े साढ़े अपने मेडिकल प्रोफेसनल है वह भी अपने लैवल के उत्ते डायरैक्टर प्रिंसीपल सिविल सर्जन साहब वो इंश्योर करेंगे कि जे साड़ी लेडी डॉक्टर ने कितने पेशेंट देखने जाना देयर शुड बी नो डार्क स्पॉट्स एंड शी शुड बी एस्कॉर्टेड बाई मेल मैंबरस और जोड़े हॉस्पिटल के बंदे भी और सिक्योरिटी गार्ड भी। इस तो सिवाए आई जी पी साहब इंश्योर करेंगे जी कि जोड़ा डिस्ट्रिक्ट लैवल दे चाहे एस एस पी है साढ़े सिविल सर्जन है डिप्टी कमिश्नर है उत्थे उन्होंने कोऑर्डीनेशन पैनल होने ते एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होएगा जोड़ा कि 24/7 नंबर उन्होंने वास्ते अवेलेबल होएगा, दे जस्ट हैव टू इनफॉर्म दैट परसन तो विद इन फ्यू मिनट्स उत्थे जोड़े हैगी इनफ सिक्योरिटी जी पहुँच जाएगी, किसी भी जोड़ा क्रिमिनल है उन्होंने भजन नहीं दिता जाएगा, उत्थे उन्होंने मौके पर फड़ के सख्त तो सख्त सजावं दित्तियां जाणगियां। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की वारदात के बाद पूरे देश में महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सरकारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं गुरुदासपुर के एक सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक पुलिसकर्मी के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है, सुरक्षा उन्हीं के भरोसे है। डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि नाइट ड्यूटी के दौरान मरीज के परिजन नशे की हालत में भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। कोलकाता कांड के बाद सुरक्षा के लिए देश भर में बेटियां सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल और दिमाग में इंसाफ के लिए गुस्सा धधक रहा है। एक हाथ में राखी और दूसरे में काला धागा बांधकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रक्षा का वो वचन जो अधूरा रह गया क्या इस बार पूरा होगा। क्योंकि कोलकाता की घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद जिस पंजाब में डॉक्टर्स आज भी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर है, उसी पंजाब के गुरदासपुर में जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित 200 बेड का सिविल अस्पताल ये भी है, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए रात के समय सिर्फ एक पुलिसकर्मी तैनात होता है और पूरे अस्पताल का ध्यान रखता है। सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर दे विच वी एदां दी कोई सिक्योरिटी नहीं हैगी, ठीक है, जिहड़ी कि होनी चाहिए है। साडे कोल स्टूडेंट्स भी आते हैं, साडे कोल साडियां फीमेल स्टाफ भी नाइट्स करते हैं जिन्हां दे विच कोई भी सिक्योरिटी नहीं हैगी, साडे नाल पेशेंट भी बदतमीजियां कर जाते हैं, कई लोग इत्थे ड्रिंक भी करके आ जाते हैं, मतलब पेशेंट्स वगैरह, तो साडे नाल काफ़ी ज़्यादा मतलब
मतलब पेशेंट भी बहुत बुरा बोल जाते हैं सानू। मतलब कैलकाटा दे विच ये घटना हुई है कि रब ना करे इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि साडे हॉस्पिटल नू भी इदा बड़ी गंदी मतलब जड़ी दुखदाई घटना का सामना करना पवे, सो दैट कि सानू भी प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए है। मुख्यमंत्री साहब आप भी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री साहब आप भी देखिए, ये आपका ही पंजाब है जहां सरकारी अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। रात के समय अस्पताल अंधकार में डूबा है और इसी अंधेरे में कोई वहशी दरिंदा छिपकर कोलकाता जैसी घटना को फिर से अंजाम देने की साजिश रच रहा होगा। समस्या मां वही है कि इत्थे कोई सेफ्टी नहीं है, अगर एक वार्ड च दूसरी वार्ड च आना पै रहा है तो रस्ते विच कुछ इदां दे पेशेंट दे अटेंडेंट मिल जांदे है, कुछ कमेंटवादी करते हैं, फालतू का बोल के जाते हैं। कैमरा सारे वर्किंग होने चाहिए है, बक एटलीस्ट एक वार्ड च एक गार्ड होना चाहिए, बस आही मांग है कि एक हर एक वार्ड च सानू गार्ड प्रोवाइड किया जाए। रात के समय सिविल अस्पताल के लेबर रूम, गायनी वार्ड और जच्चा बच्चा वार्ड में महिला स्टाफ ही तैनात रहता है। रात को ज्यादातर ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी करता है जिनकी सुरक्षा राम भरोसे है। जी मनभागी घटना जी कलकत्ता हुई है, जिस तरह स्टाफ जो फीमेल स्टाफ नाइट ड्यूटी से साड़ी ड्यूटी इस तरह 24 ड्यूटी है कि नाइट स्टाफ मिशन ड्यूटी रहा है। साढ़े हॉस्पिटल में ही गायनी वार्ड हर वार्ड में स्टाफ नर्सिस गायनी डॉक्टर सारे रात सिक्योरिटी होंगे है। असं बहुत सरकार अगर लिख दिता है पर साढ़े को दो सिक्योरिटी गार्ड्स है एमरजेंसी, एक मॉर्निंग एक नाइट इवनिंग नाइट ड्यूटी होंगे डॉक्टर बैठते हैं। पर लेबर रूम जो पब्लिक डीलिंग है वार्डा में स्टाफ नर्स ड्यूटी रात होंगे हैं। असं सरकार ने लिख दिता है, पहले भी लिख दिता है कि ये कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। असं हम दोबारा फिर लिख के दे रहे हैं, एक कल लैटर फिर लिख के बनाई कि सूँ प्रॉपर सिक्योरिटी इतने हॉस्पिटल दी जाए। गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में सुरक्षा का आलम यह है कि रात के समय मरीजों के तीमारदार नशे की हालत में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करते हैं, झगड़ा करते हैं और गंदे कमेंट करते हैं। हाँ जी, एक बार पेशेंट एक ड्रंक सीगा, पेशेंट के अटेंडेंट उन्होंने मना किया सीगा कि वार्ड च बाहर जा, वो मना उल्टा लड़ना स्टार्ट कर दिता सीगा, उन्हें स्टाफ न फालतू बोलना स्टार्ट कर दिया सी। बस यही आलतू फालतू जेडे रात नू ड्रंक करके आते हैं पेशेंट, उन्हों का थोड़ा जो भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है फीमेल स्टाफ के। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर मान सरकार नींद से जागती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ बातों और वादों से किसी की सुरक्षा नहीं की जा सकती। गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। आज राखी का त्यौहार जहां पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं पठानकोट की जेल में भी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, जिसके लिए जेल प्रशासन के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। बहनों के लिए मिठाई का प्रबंध भी किया गया था जेल के भीतर ही। वहीं फरीदकोट जेल प्रशासन की तरफ से भी रक्षाबंधन के मौके पर विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि बहनें अपने भाइयों से मिलकर उन्हें राखी बांध पाएं। राखी बंधवाने के लिए 10-10 ग्रुप के कैदियों को बांटा गया था, जिसके बाद उन्हें अपनी बहनों से मिलने का मौका दिया गया। फरीदकोट जेल में भी जेल प्रशासन को तरफ से मिठाइयों का इंतजाम किया गया था और जो बहनें राखियां नहीं लाई थीं, उनके लिए अलग से राखियों का भी प्रबंध किया गया था। अमृतसर के रतन चौक पर बने ट्रिलियम मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फोन कॉल से मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मॉल को खाली करवा लिया गया, जांच शुरू कर दी गई, बॉम्ब स्क्वाड बुला लिया गया, डॉग स्क्वाड को काम में लगा दिया गया, मॉल के चप्पे चप्पे को खंगाल लिया गया और उसके बाद जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली।